हेलो फैमिली, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाया हूँ। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है मेरी तरह, या आपका कोई चैनल है, आप यूट्यूब पर हर रोज़ वीडियो अपलोड करते हो, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने चैनल पर या वीडियोज़ पर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट गाइडलाइन स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आया है। ये कैसे जान सकोगे आप? YouTube का नया अपडेट आया है 2021 का, उसके अनुसार आप कैसे पता लगा सकते हो नई तरीके से, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगी इंस्टेंटली। मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं आरजे टेक्नो वर्ल्ड चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू आरजे टेक्नो वर्ल्ड। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम न्यू क्रिएटर रहते हैं, वो वीडियो अपलोड करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे चैनल पे कोई स्ट्राइक आई है या कोई कॉपीराइट क्लेम आया है या कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है या नहीं। हम कैसे फाइंड करें और कैसे पता करें नई अपडेट के अनुसार, ये सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल लेना होगा, उसमें आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गूगल सर्च बार में सिंपली आपको डालना पड़ेगा youtube.com। यहाँ पे मैं youtube.com डालूंगा इस तरह से, और यहाँ पे सर्च के आइकॉन पे टैप करूंगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 डॉट में मैं जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मार्क कर देना है आपको सिंपली इस तरह से। यहाँ पे आपको कंप्यूटर की तरह यहाँ से इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे मैं जूम इन करूंगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको आपके चैनल का सिंबल दिखेगा, आइकॉन दिखेगा एक। यहाँ पे मैं सिंपली टैप करूँगा। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको YouTube स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर YouTube स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है या नहीं चेक करना है तो सिंपली आपको लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे आपको जूम इन करना है इस तरह से, और यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक, यहाँ पे 3 में से एक मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है। यहाँ से आपको सिंपली पता चल जाएगा इस तरह से कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आई है या नहीं। यहाँ पे मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा, एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ दूसरी मेथड कि आपको कैसे चेक करना है आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आपको जूम इन करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा सेटिंग के ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको जाना है चैनल पे। यहाँ पे मैं चैनल पे क्लिक करूँगा। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग और फीचर एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आपको 3 नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फीचर एलिजिबिलिटी पर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू इंटरफेस दिखाई देगा इस तरह से। यहाँ पे अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है आपके चैनल पे, तो सिंपली आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फीचर के आगे एनेबल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको सिंपली टैप कर देना है। अगर आपके चैनल पे कम्युनिटी स्ट्राइक आई है, मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक्टिव है अगर आपके चैनल पर, तो यहाँ पे आपको इस तरह से पता चल जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चैनल इज़ फ्री ऑफ एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, मतलब इस चैनल पे कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, मतलब मेरे चैनल पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन शो करेगा। अगर आपके चैनल पे कम्युनिटी स्ट्राइक गाइडलाइन आई है तो यहाँ पे इस तरह से एक रेड मार्क आ जाएगा, और यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि आपके चैनल पे गाइडलाइन स्ट्राइक आई है करके। चलिए बढ़ते हैं तीसरी मेथड की तरफ। यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा। यहाँ पर मैं आ गया हूँ मेरे चैनल के होम पेज पे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपको जाना है, जूम इन करता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक
कॉपीराइट का सिंबल दिखेगा, मतलब यहाँ पे आपको सी नाम का सिंबल दिखेगा डॉलर के सिंबल के ऊपर। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सिंपली, यहाँ पे कॉपीराइट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरह से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा आएगा, जूम इन करूँगा और वीडियो लिस्ट पे क्लिक करूँगा। अगर आपको आपके वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट गाइडलाइन आती है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको वीडियो दिख जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको वीडियो लिस्ट पे क्लिक करूँगा। पे क्लिक करने के बाद आपको वो वीडियो दिखाई देगा, जिस भी वीडियो पे आपके कॉपीराइट स्ट्राइक आया है वो वीडियो सिंपली यहाँ से दिख जाएगा। आप देख सकते हो ये न्यू मेथड है, किसी भी यूट्यूबर ने ये मेथड आपको बताई नहीं है। तो दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको यहाँ पर मैं आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, आप थंबनेल कैसे लगा सकते हो, आप चैनल आपका वेरीफाई कैसे कर सकते हो, वो सभी वीडियो की लिंक यहाँ पे मैंने दे दी है आई बटन पे, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप मेरी वो वीडियो देख लो, आपके काम आएगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से पता चल जाएगा कि आपके कौन से वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है। यहाँ पे विजिबिलिटी रिमूव रिस्ट्रिक्शन कॉपीराइट क्लेम, और यहाँ पे मुझे कब मिला है कॉपीराइट स्ट्राइक, यहाँ पे अक्टूबर 20 को मिला है। यहाँ पे सब देख सकते हो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक कब आई है। तीन मेथड मैंने बताई है वो आप ट्राई कर सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि आपके चैनल पे स्ट्राइक आई है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसकी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।